वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम, और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओहम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हैं बीचों बीच एक 30 ओहम का रेजिस्टेंस है, उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस ये वीडियो आप पूरा देख लो। हमेशा ध्यान में रखो, सुपरपोजिशन थ्योरम के प्रॉब्लम्स आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। सबसे पहले चेक करो यहां सर्किट में कितने सोर्सेस हैं। तो यहां पे दो सोर्सेस है, लेफ्ट साइड में 50 वोल्ट, राइट साइड में 20 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, यहां दो सोर्सेस है इसलिए हम इसको तीन स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे, 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे और उसके वजह से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे, फिर से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर स्टेप थ्री में दोनों करंट्स का हम समेशन करेंगे। ठीक है, चलो कैसे होता है यहां देखो। सबसे पहले हम लिख लेंगे स्टेप वन, कंसीडर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो जब आप 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स ले रहे तो दूसरा जो सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल यही है, चाहे दो सोर्सेस हो, तीन सोर्सेस हो या चार सोर्सेस हो, आपको हर स्टेप में एक एक सोर्स को कंसीडर करना है, और जब आप एक सोर्स लेते हैं तो बाकी सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, तो यहां हमने 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को लिए तो दूसरा 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करो, इट मींस उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमने देखो वोल्टेज सोर्स को निकाल दिए 20 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स को और उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। यहां हम लिख देते हैं शॉर्ट सर्किट, और अब ये न्यू सर्किट आपके सामने है। यहां पे आप देख सकते हैं पूरे सर्किट में 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, और ये 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 30 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 50 वोल्ट हो गया टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, तो टोटल वोल्टेज के वजह से टोटल करंट फ्लो होगा आईटी। देखो ऐसे ऊपर प्लस के तरफ से करंट निकलेगा, फिर ये करंट आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। जब करंट डिवाइड होगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक करंट 30 ओम में से जाएगा, दूसरा करंट 20 ओम में से जाएगा। जो करंट 30 ओम में से जाएगा उसको हमने नाम दे देंगे I1, और जो करंट 20 ओम में से जाएगा उसको हमने नाम दे देंगे I2। नेमिंग देना बहुत जरूरी है। तो फाइनली एक मिनट, यहां नेमिंग दे देते हैं। यस यस बिल्कुल, I1 और I2। तो देखिए हमने नेमिंग दे दी, अब बताओ हमें ये I1 I2 में से कौन सा करंट 30 ओम में से जा रहा है, तो I1। तो आपको I1 फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेप का मेन एम है, I1 फाइंड आउट करना। अगर हमने I1 फाइंड आउट कर लिए तो समझ लो ये स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टेप टू के तरफ चलेंगे। स्टेप टू में हम दूसरा सोर्स लेंगे 20 वोल्ट वाला, और फिर उसके थ्रू फिर से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे I1 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब I1 फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको टोटल करंट पता होना चाहिए कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट फाइंड आउट करो, टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं 20 ओम और 30 ओम दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। तो 20 और 30 का पैरेलल का कैलकुलेशन देखो हम साइड में कर रहे हैं, 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20+30, यानी R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1+R2। ये कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, अगर आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली लिख के आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। कैलकुलेशन जस्ट हमने आपको समझाने के लिए लिखा के दिए हैं। तो देखो सर्किट में हमने लिख दिया उसका आंसर 12 ओम, और आप देख सकते हैं ये सर्किट में अब 10 ओम और 12 ओम दोनों सीरीज में हैं, जो हो जाएगा 22 ओम। तो फाइनली टोटल वोल्टेज VT 50 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस RT 22 ओम, और अब टोटल करंट IT फाइंड आउट करो। सो IT का यहाँ पे करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला V/R, दैट इज 50/22। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 2.272 एम्पियर। सो टोटल करंट हमें मिल चुका है, टोटल करंट फ्लोइंग इज 2.272 एम्पियर विच इज फ्लोइंग ड्यू टू 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और अब यही टोटल करंट आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में। तो I1 I2 में से हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें I1 फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि यही I1 30 ओम में से फ्लो हो रहा है। तो I1 फाइंड आउट करेंगे हम बाय करंट डिवीजन रूल। अब आपको करंट डिवीजन रूल नहीं पता होगा, चलो आपको करंट डिवीजन रूल लिख के देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर हम यहां करंट डिवीजन रूल का यूज करके I1 फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप वन में अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, अब बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स टू में भी रहेंगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन भी है तो स्टेप टू में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो करंट डिवीजन रूल यहाँ यूज करते हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, लेकिन करंट डिवीजन रूल यूज करने के पहले आपको उसका फार्मूला लिख के देते हैं। फार्मूला बहुत आसान है, देखो यहाँ लेफ्ट साइड में
नीचे में आपको फार्मूला लिखा के दे रहे हैं। तो फार्मूला आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है वो भी हम आपको बताएंगे फार्मूला यूज करते समय। तो फार्मूला ऐसा है, आई एक्स इज इक्वल टू आई टी इन टू आर अपोजिट डिवाइडेड बाय आर अपोजिट प्लस आर करंट। अब इसका मतलब क्या है और इसका कैसे यूज करते हैं देखो समझ लो। फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। आर एक्स यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आई एक्स लिखा है, आई एक्स माने जो करंट आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आई टी यानी टोटल करंट, उसके बाद आर अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, और आर करंट मतलब रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट करे वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, ऐसा है। चलो यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय करंट डिविजन रूल, हमने लिख लिया है। सो आई वन, आई एक्स के जगह आई वन इज इक्वल टू आई टी लिखो 2.272 इंटू, देखो क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हमने लिखा है 20, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच 30। तो अपोजिट ब्रांच 20 हो गया, कैसे, क्योंकि आई वन आई टू करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई वन और आई टू में। तो आई वन आई टू में से आप आई वन फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, तो आई टू वाला जो ब्रांच है ना वही हो जाएगा अपोजिट ब्रांच, समझे। तो अपोजिट ब्रांच आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट, तो अपोजिट ब्रांच में क्या है 20 ओहम, इसलिए हमने 20 ओहम ऊपर नीचे लिखे, प्लस R करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच वो है 30 ओहम। सॉल्व किए तो करंट I1 हमें मिल गया 0.908 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, हमने यहां पे लिख लिए। और फाइनली ये स्टेप नंबर वन यहां पे कंप्लीट हो गया। जैसे हमने कहा था ये स्टेप में हमें 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 30 ओहम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिए है। इसका आंसर भी हमने देखो फार्मूले के नीचे यहां लिखा है, आई वन 0.908 एम्पियर हमने आंसर लिख दिए। अब चलो स्टेप नंबर टू के तरफ चलते हैं। अगर आपको स्टेप नंबर वन में कुछ डाउट था तो स्टेप नंबर टू में अब पूरा क्लियर होने वाला है, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा स्टेप वन में किए थे। तो हमने यहां लिखा है स्टेप नंबर टू, कंसिडर 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को लेंगे तो दूसरा जो सोर्स है 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स उसको डीएक्टिवेट करो, इट मींस उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो चलो इसको यहां पे न्यू सर्किट बना रहे, देखो हमने शॉर्ट सर्किट कर लिया है, न्यू स्टेज आपके सामने है। और यहां पे अब ये स्टेज में 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 30 ओम में से कितना करंट फ्लो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट हो गया 20 वोल्ट, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो अब हमें यहां फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल करंट, इसके पहले के स्टेप का करंट यहां पे यूज मत करो, यहां नया करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल करंट, और फिर वो टोटल करंट आगे चल के फ्लो होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट 30 में से जाएगा उसका हमने नाम दे दिए I3, कुछ करंट 10 ओहम में से जाएगा उसका हमने नाम दे दिए I4। बताओ I3 I4 में से कौन सा करंट 30 ओहम में से जा रहा है, तो I3। तो I3 फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो चलो टोटल रेजिस्टेंस यहां फाइंड आउट कर रहे हैं, 10 ओहम और 30 ओहम लेफ्ट साइड से पैरेलल है तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे। देखो कैलकुलेशन नीचे लिख रहे हैं, 10 × 30 / 10 + 30 तो आएगा 7.5 ओहम, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखो 7.5 ओहम और 20 ओहम दोनों सीरीज में हो जाएंगे और टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 27.5 ओहम। ठीक है, टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो चलो टोटल करंट निकालते हैं। सो टोटल करंट आई टी इज 20/27.5। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यस, अगर आपके पास एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, और अगर नहीं है तो आप मैनुअली सॉल्व करो। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, टोटल करंट मिला है 0.727 एम्पियर, दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स स्टेप टू में। और अब यही करंट को आगे चल के हमने डिवाइड करा है और दो उसके यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I3 I4, उसमें से I3 हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करेंगे, सो हम यहाँ लिख लेंगे therefore by करंट डिवीजन रूल, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ इसलिए करंट डिवीजन रूल का यूज कर रहे हैं। सो I3 इक्वल टू, तो देखो करंट डिवीजन रूल का फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले टोटल करंट का वैल्यू 0.727 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच क्या हो जाएगा 10 ओम वाला जो ब्रांच है वो अपोजिट ब्रांच, क्योंकि देखो I3 I4 करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I3 I4, I3 I4 में से आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, तो I4 वाला जो ब्रांच है वो अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 10 है इसलिए ऊपर नीचे 10 प्लस 30। और सॉल्व करने के बाद यहां पे करंट I3 हमें मिल चुका है 0.181 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। तो फाइनली ये स्टेप नंबर टू भी यहां पे कंप्लीट हो गया,
और स्टेप नंबर टू में 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 30 ओम में से कितना करंट फ्लो रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिए 0.181 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। और अब स्टेप नंबर थ्री, चलो स्टेप नंबर थ्री में दोनों करंट्स का समेशन करना है। इसका मतलब स्टेप नंबर वन का करंट I1 और स्टेप नंबर टू का करंट I3 दोनों का अब हमें यहां समेशन करना है स्टेप नंबर थ्री में। तो हम यहां लिख लेंगे स्टेप नंबर थ्री, देयरफॉर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस इज, मतलब हमने क्या किया स्टेप नंबर वन में 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट फ्लो फाइंड आउट किए, फिर स्टेप नंबर टू में 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट फ्लो फाइंड आउट किए, अब स्टेप नंबर थ्री में दोनों सोर्सेस के वजह से एक कंबाइन कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखे हैं I30 यानी करंट फ्लोइंग थ्रू 30 इज I1 प्लस I3, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ जा रहे थे इसलिए दोनों का एडिशन होना तय है। I1 प्लस I3 0.908 प्लस 0.181, सो हम यहां लिखेंगे एडिशन करने के बाद आंसर आया है करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम इज 1.089 एम्पियर, इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। और फाइनली जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस, तो फाइनली 30 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है 1.089 एम्पियर। प्रॉब्लम कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए हैं, हर एक स्टेप में कैसे करंट डिवीजन रूल का हमने यूज किया, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहां पे कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।